महिला होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया कंडोलिया मैदान में आज तीसरे दिन भी जारी रही। वहीं महिला होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया के तीसरे दिन लगभग 200 अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक फिटनेस परीक्षा में प्रतिभाग किया है, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा होमगार्ड की महिला प्लाटून में भर्ती होने के लिए लंबी कूद, दौड़, बाल आदि थ्रो आदि शारीरिक दक्षताएं परीक्षा अपनी क्षमताओं का परिचय दिया जा रहा है। जैसा स्केड्यूल है वो ये है कि हर दिन 250 महिलाएं आती हैं भर्ती हेतु, और क्योंकि ये तीसरा दिन है तो अब तक का 750 महिलाएं आ चुकी हैं। कुछ एब्सेंट भी थी, तो कुल मिला के अगर हम 200-225 के अराउंड एक एवरेज माने तो 600-650 अराउंड महिलाएं अब तक मतलब यहाँ भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। तो आज भी अराउंड 200 महिलाएं आई हुई हैं, और ये प्रोसेस अगले 13 दिन चलेगा। उसके बाद अगर किसी वजह से, अगर जैसे बारिश हो जाती है या फिर कोई महिलाएं नहीं आ पाती हैं, तो वो 14 या 15 तारीख को जब हम एक रिजर्व डे रखते हैं, एक या दो रिजर्व डे, तब वो शामिल हो सकती हैं भर्ती में। सब कुछ व्यवस्था चल रही है, ठीक है सब कुछ, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल ही है। मतलब जिस हिसाब से प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से ठीक है। मतलब जैसे लग रहा था कि ये होगा, इतने 500 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, लेकिन ठीक है, सब नॉर्मल है। कब से तैयारी कर रहे थे इस पर? सर, एक महीने से कर रही थी।